हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ कंजंक्शंस एंड दिस इज द सेवेंथ पार्ट इन दिस सीरीज। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शंस। ही स्टडीड वेरी हार्ड डैश ही फेल्ड। तो यहाँ पर सोचिए आप कौन से कंजंक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे येट। ही स्टडीड वेरी हार्ड येट ही फेल्ड। उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी फिर भी वह फेल हो गया था। ओके, स्टडीड वेरी हार्ड यानी कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी पढ़ाई करने में फिर भी वह फेल हो गया। येट हम तब यूज़ करते हैं जब हम कॉन्ट्रास्ट वाली सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं। ओके, द बेबी इज़ क्राइंग डैश इट इज़ हंग्री। बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। यहाँ पर आपने लिखना है बिकॉज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हम रीज़न की बात कर रहे होते हैं कि किसी काम का कारण क्या है, वह काम क्यों हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है द बुक हैज़ बीन लॉस्ट डैश स्टोलन। तो यहाँ पर आप कौन सी कंजंक्शन को फिल करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे और। द बुक हैज़ बीन लॉस्ट और स्टोलन। या तो बुक हो सकती है या फिर चोरी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग है कि बुक गुम हो गई है या फिर चुरा ली गई है। ओके, नेक्स्ट है डैश यू ईट टू मच यू विल फॉल इल। यहाँ पर आपने कौन सी कंजंक्शन को यूज़ करना है। यहाँ पर आपने एक ऐसी कंजंक्शन को यूज़ करना है जब हम कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जब कंडीशन यानी कि जब आप कह रहे हो कि वह काम तब होगा जब कुछ और होगा। ओके, इफ़ यू ईट टू मच यू विल फॉल इल। इसका मीनिंग है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाओगे आप बीमार पड़ जाओगे। ओके, तो ये कंडीशन है। ओके, बीमार होने की यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने इफ़ को यूज़ करना है जो हम कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं ही रैन फास्ट डैश मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पर आपने क्या लिखना है। यहाँ पर आपने लिखना है बट या फिर येट। वह बहुत तेज़ भागा था लेकिन उसने ट्रेन मिस कर दी थी। वह बहुत तेज़ भागा था फिर भी उसने ट्रेन मिस कर दी थी। ओके, यहाँ पर भी हम कंट्रास्ट के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। इज़ दिस माई बुक डैश योर्स। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है। यहाँ पर आपने लिखना है और। क्या ये मेरी बुक है या फिर तुम्हारी है। ठीक है, बुक किसी एक की हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर आपने लिखना है और। इज़ दिस माई बुक और योर्स। ही राइट स्लोली डैश नीटली। देखिए ये एक सेंटेंस है जिसमें एक ब्लैंक है। यहाँ पर आपने कंजंक्शन को फिल करना है लेकिन इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगी। आपने सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। ओके, और मैं आपको बताऊँगी कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं ठीक है। ओके, तो इसी तरह से लर्न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन्ट डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।